हेलो एवरीवन, आप लोग पिछले कई समय से मुझसे एक क्वेश्चन पूछे हैं कि सर आपका फास्ट ट्रैक कोर्स कब होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने लेवल पे एक सिलेबस कवर कर लिया है, क्विक रिवीजन आपके साथ कर लेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। दूसरी बात, जिन बच्चों ने इस साल डिमसेट का या अदर एमसी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और किसी कारण से या बाई चांस रिजल्ट नहीं आ पाया, उनके भी ये क्वेश्चन आए कि सर अब क्योंकि एग्जाम हो गए और जो कॉलेज मिल रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें एडमिशन लेना चाहिए, तो हम लोग फिर से एक बार निमसेट या अदर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप फास्ट ट्रैक कोर्स कब से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार जो फास्ट ट्रैक कोर्स है वो हम 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 दिसंबर से उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और इसको हम एग्जाम के पहले प्रॉपरली एटलीस्ट 1 मंथ पहले इसका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आप लोगों को एक शॉर्ट रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ऑब्वियसली टाइम कम है, लगभग हमारे पास 6 मंथ है, पर 6 मंथ मिनिमम है और हो सकता है कि अगर एग्जाम मान लीजिए जून जुलाई अगस्त में हुआ तो बढ़ जाएगा, पर अभी मैं मान के चल रहा हूं कि एग्जाम मई एंड में या जून के 1st-2nd week में हो सकता है, तो 6 मंथ का टाइम है। इस 6 मंथ में अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो फायदा होगा। और आप सभी लोग देखिए क्या होता है, जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सेल्फ स्टडी कर रहे थे पर एक तो टॉपिक कवर नहीं हो पा रहा प्रॉपर, या हो गया है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, टेस्ट पेपर में स्कोर नहीं आ रहा, तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कोर्स है। इसमें भी काफी चीजें बेसिक से ही पढ़ाई जाएंगी और हर एक चीज को कवर किया जाएगा। इनफैक्ट मैं ये सेशन आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं, पर जैसे ही इसको लॉन्च किया था उसके बाद से इसमें एडमिशन चालू हो गए, तो 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस चालू हो जाएंगी और 1 दिसंबर से लेके इसमें पूरा सिलेबस होगा। बट इन बिटवीन जो बीच के दिन मिल रहे हैं इसमें भी आपको क्लासेस मिल सकती हैं और मिलेंगी, तो आप लोग इमीडिएटली एक्शन लेके इस पे रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर क्लिक करेंगे तो ऐप पर जाके ले सकते हैं। और एक और खास बात, इसकी फी तो कम है ही, इसको आप 1 टाइम में भी पे कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आएंगे इसमें। साथ में एक कूपन कोड भी दिया है, अगर आप 1 टाइम पे कर रहे हैं तो ये कूपन कोड को भी जो दिख रहा है आपको इसको आप जरूर यूज करिएगा। अब बात आती है कि इस फास्ट ट्रैक कोर्स में सिलेबस किस तरह से होगा, टाइम कम है। देखिए कुछ बैच ऐसे भी हैं इंपिटस गुरुकुल में 23 के लिए जिनके 1 टाइम या 2 टाइम सिलेबस हो गए और दूसरे एंड पे अब आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसको ज्वाइन करने में 2-3 कैटेगरी हो सकती है, एक वो जिसने ऑलरेडी इस साल एग्जाम दिया और ड्रॉप ले रहा है, एक वो जिसने सेल्फ स्टडी से सिलेबस कर रखा है और अपना एक कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप कर रहा है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर आप इंपिटस गुरुकुल का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो केवल आप मैथ सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, आप बहुत सारी डिफरेंट अप्रोच सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है। तो एक कैटेगरी हो सकती है कि जिसने सिलेबस कर लिया कवर और अब वो अपना रिवीजन करना चाहता है मेरे साथ, टेस्टिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप करेगा। तीसरा बच्चा वो हो सकता है जो न्यू हो, ऑब्वियसली न्यू बच्चों को थोड़ा एफर्ट देना ही पड़ेगा, पर अगर आपका 11th-12th मैथ अच्छा है तो अभी भी आपके पास मौका है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड है कि बच्चे, दिसंबर की बात तो छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी में ज्वाइन करने वाले बच्चों ने भी रिजल्ट दिया है। जहां एक और अदर इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं कि 18-20-22 महीने में सिलेक्शन होगा, मैं बोलूंगा अगर आप अभी भी मेहनत करेंगे और जो बचे हुए 6 महीने इसको 12 महीने के बराबर बनाओ, यानी रोज जितनी मेहनत करते हो, साल भर जितनी मेहनत करने वाले थे आप उतनी ही मेहनत 6 महीने में करनी, यानी आपको डबल एफर्ट डालने होंगे। इसको कैसे कवर करेंगे, तो आपको 2-3 एंड पे क्लासेस मिलेंगी, यानी एवरीडे ऑलमोस्ट आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको 3 क्लास मिले, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं आपको सिलेबस, नाम जरूर है फास्ट ट्रैक पर स्पीड में कवर ना करवाऊं स्लो। अब स्लो भी करवाना है और टाइमली एंड भी करना है तो कैसे किया जाए, तो उसका एक तरीका यह है कि हम आपकी ज्यादा क्लासेस लें, यानी पर डे आपकी 2 क्लासेस मिनिमम होंगी, 3 भी हो सकती है कभी कभी। दूसरा, आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको वही सॉल्व करना है, कोई अदर बुक अदर गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीकली टेस्ट होंगे और उन टेस्ट पेपर्स के लाइव एनालिसिस होंगे, उससे आपकी अप्रोच डेवलप होगी और आप अपने आप को सही समय रहते हुए असेस कर सकते हैं। तो वो बच्चे स्पेशली बोलूंगा जिन बच्चों ने इस साल दिया था, आप सारे एग्जाम्स निमसेट के, अदर CUT के, महाराष्ट्र के, लगभग हर एग्जाम के रिजल्ट आ गए और 1 दिसंबर तक सब रिजल्ट भी आ जाएंगे, आपके एडमिशन भी कंफर्म हो जाएंगे। अब अगर आपके मन में ये है कि जो कॉलेज आपको मिल रहा था और उसमें एडमिशन नहीं लेना, तो टेक अ एक्शन, अभी भी वक्त है,
अभी भी आप अगर एक्शन लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं। और इन 6 महीने को आपको 12 या 18 महीनों के बराबर बनाना है, यानी 2 और 3 टाइम मेहनत करोगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, प्रॉपर मैनर में पढ़ाई करिए, धीरे धीरे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएंगे। आपको फुल लेंथ टेस्ट भी अभी स्टार्टिंग से ही मिलने चालू हो जाएंगे, जो जो टॉपिक कवर होते जाएंगे कंटिन्यूसली, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये पूरा पोर्शन एक साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। और कोशिश करेंगे कि टाइमली, मतलब मार्च एंड या हो सकता है अप्रैल मिड तक, इस बैच के सिलेबस को कवर किया जाएगा। पर आपको डे 1 से प्रॉपर तरीके से क्लास मिलना चालू हो जाएंगी। तो आप लोग एक्शन लीजिए, फास्टैग कोर्स में रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहां पर जाके इस कोर्स को कूपन कोड यूज करके वन टाइम पे करके भी ले सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। और अगर कोई बच्चा भोपाल क्लासरूम में शिफ्ट होना चाहता है या आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। और ये 6 महीने, कहने को 6 मंथ है, पर अभी भी आपके पास 180 डेज है, अभी भी आपके पास मौका है, गवाइए मत। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर सर टाइम कम बचा है, मुझसे कई बार बोलते हैं, तो सर अगर हम इस साल की जगह नेक्स्ट ईयर लें तो कैसा रहेगा? तो मैं बोलता हूं बिल्कुल लो नेक्स्ट ईयर, पर ये 6 महीने एफर्ट तो डालो। अगर नेक्स्ट ईयर लिया और उसी साल एग्जाम दिया और इन केस आपकी किसी कारण से रैंक नहीं आई तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, पर अगर आपने इन 6 मंथ में प्रिपरेशन कर ली तो बिल्कुल, आप फिर उसके बाद नहीं हुआ या रैंक नहीं आई तो आप 0 पे नहीं होगे। और नेक्स्ट ईयर आप जब ड्रॉप लेके पढ़ेंगे जो आपने मन बनाया था, तो उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको यही बोलूंगा। इसके अलावा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टेस्ट सेशन भी डाला था, अगर आपका सिलेबस अच्छे से है, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच प्रॉपर है और आपको लगता है कि क्लास की जगह केवल टेस्ट सीरीज से काम हो सकता, तो मैं कहूंगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पर एटलीस्ट अपना असेसमेंट रेगुलर करते रहें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि हम मार्च अप्रैल से टेस्टिंग देना चालू करें फिर टाइम नहीं बचता। तो अभी 6 मंथ है, इन 6 मंथ में आप फास्टैग कोर्स 1 जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1st of December से, उसको ज्वाइन करिए, उसकी क्लासेस अटेंड करिए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। और जो मटेरियल जो मैं आपको गाइडेंस दूं उसको आप फॉलो करो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप एक अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू।